पीवीसी की सीलिंग अगर आप अपने घर में करवाना चाहते हैं, हमारे पाकिस्तान में दो क्वालिटीज में ये सीलिंग अवेलेबल है। एक जो पीवीसी की सीलिंग है वो प्योर पीवीसी में होती है, बिल्कुल हल्की फुल्की, इसका रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, साइज़ 2x2 फिट होता है, आप उसको प्लेट भी बोल सकते हो। और इसमें जो दूसरी क्वालिटी पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल है वो दोस्तों जिप्सम वाली सीलिंग है, अंदर जिप्सम होता है लेकिन ऊपर सेम पीवीसी की आपको शीट मिलेगी। जो डिज़ाइन आपको प्योर पीवीसी में मिलेगा वही डिज़ाइन आपको जिप्सम वाली सीलिंग में भी मिलेगा। इन सीलिंग का पर स्क्वायर फिट में क्या रेट है, अगर हमारा रूम है 12x12 साइज़ का, इसमें हम प्योर पीवीसी की सीलिंग करवाना चाहते हैं, इस पर टोटल कितना खर्च होगा? अगर हम पीवीसी की सीलिंग कराना चाहते हैं जिसमें जिप्सम भी मिक्स है, ये प्लेट भारी भी होती है, क्या ये सीलिंग हम अपने घर के गार्डर टीआर के रूम में करवा सकते हैं? और इस सीलिंग की लाइफ टाइम कितनी है? और इस सीलिंग को लगवाने के बाद क्या हम ये सीलिंग दूसरे घर में शिफ्ट कर सकते हैं? इसके अलावा इस सीलिंग को लगवाने पर लेबर हमसे कितने पैसे वसूल करेगी? बहुत से ऐसे सवाल हैं। अगर आप भी अपने घर में सीलिंग करवाना चाहते हैं तो ये सवाल आपके माइंड में घूम रहे होंगे। जब भी आप अपने घर के बेड पर रात लेटते होंगे तो सीलिंग बारे ज़रूर सोचते होंगे। इन तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में जाहिद भाई आपको फराहम करेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जाहिद नवाज और आप YouTube पर अपना चैनल देख रहे हैं ZS ट्रेडर्स। वीडियो का आगाज़ इस दुआ से करते हैं कि अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियां फरमाए, आमीन। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीवीसी की जो सीलिंग है, अगर आपका रूम है गार्डर टीआर का, आपका रूम है इजहार कंपनी की छत का, आपकी रूम की छत पर अगर कंक्रीट डली हुई है, अगर आपकी रूम की छत के ऊपर लकड़ी के बाले आप कड़ियाँ भी बोलते हो, अगर आप उसकी भी छत है तो आप पीवीसी की सीलिंग करवाएं। ये बारिश से ख़राब नहीं होती, धूप से ख़राब नहीं होती, मिट्टी धूल से ख़राब नहीं होती। ये सीलिंग अगर आप अपने रूम में करवाते हैं, आपकी छत के ऊपर से पानी लीकेज भी होता है तो ये सीलिंग फूलती नहीं है। इस सीलिंग में दोस्तों आपको बेशुमार डिज़ाइन मिलेंगे, बेशुमार कलर मिलेंगे। इस सीलिंग को लगाने से पहले आपकी रूम की छत जो है उसके अंदर फ्रेम तैयार होता है, आयरन का फ्रेम बनता है, हल्का फुल्का बिल्कुल फ्रेम होता है, उसका भी कोई वजन नहीं होता। उस फ्रेम के ऊपर ये जो प्लेट है 2x2 फिट की रखते जाते हैं, साथ इस सीलिंग को ऊपर जो आपकी छत है गार्डर टीआर की है, कंक्रीट की है, इजहार की है या कोई और छत है, उसके साथ जो आयरन की वायर है वो बांध देते हैं। इस सीलिंग की अगर लाइफ टाइम देखी जाए तो ये लाइफ टाइम चलती है, ख़राब नहीं होती। जब आपका दिल भर जाए इस सीलिंग के डिज़ाइन से या कलर से तो आपने ख़ुद चेंज करवानी है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है पीवीसी की सीलिंग का। अब इसके रेट की बात करते हैं, ये आपको मार्केट में मिल जाएगी 100 रुपये से लेकर 120 रुपये पर स्क्वायर फिट। इस रेट में लेबर चार्जेस शामिल हैं, कमल जो सीलिंग का फ्रेम बनता है वो इसमें ऐड है। अगर आपके रूम का साइज है 12x12, 144 स्क्वायर फिट एरिया बनता है, 144 स्क्वायर फिट एरिया को हम 120 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पीवीसी की जो प्योर सीलिंग है हल्की फुल्की, आपके एक रूम पर खर्च हो जाएगा 17,000 रुपए से लेकर 17,500 रुपए। अब बात कर लेते हैं जो पीवीसी में जिप्सम वाली सीलिंग अवेलेबल है, ये दोस्तों पायदार और मजबूत है। इस सीलिंग का जो वजन है वो पीवीसी की जो प्योर शीट है उससे ज्यादा होगा। इस सीलिंग में भी आपको सेम डिजाइन जो पीवीसी में अवेलेबल है वही डिजाइन मिलेंगे। जिप्सम के ऊपर जो शीट होती है वो सेम पीवीसी की है। कुछ लोग इस सीलिंग को लाइक करते हैं। इस सीलिंग का जो सबसे बड़ा फायदा है कि आपका रूम ठंडा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि पीवीसी की जो सीलिंग है उसकी थिकनेस कम होती है, इस सीलिंग के अंदर जिप्सम भी होता है तो इसलिए इसकी थिकनेस ज़्यादा हो जाती है, प्लेट की मोटाई ज़्यादा हो जाती है। आसान अल्फाज में इस सीलिंग का ताज़ा तरीन रेट है मार्केट में 75 रुपये से लेकर 85 रुपये पर स्क्वायर फिट। अगर आपका रूम है 14x14 साइज़ का, 144 स्क्वायर फिट को हम 85 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12,500 रुपये आपका इस सीलिंग को करवाने पर खर्च होगा। इस खर्चे में दोस्तों लेबर या जो हार्डवेयर का सामान है, जो पहले फ्रेम बनता है या जिस वायर से ये सीलिंग बांधते हैं, सब चीज़ें इसमें शामिल है। इस सीलिंग को भी आप एक घर से दूसरे घर में 5 साल बाद 10 साल बाद शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन जो जिप्सम वाली सीलिंग जिसके ऊपर पीवीसी की शीट लगी हुई है, इस सीलिंग के ऊपर अगर पानी की लीकेज या बारिश का पानी ज़्यादा पड़ता है तो फिर ये सीलिंग फूल जाएगी। तो इसलिए अगर आपकी छत है गार्डर टीआर की तो आप फिर प्योर पीवीसी की सीलिंग करवाएं। अगर आपकी छत है कंक्रीट की या इजहार की छत है जिसके नीचे पानी की लीकेज ना होने के बराबर है, तो
फिर आप ये सीलिंग भी करवा सकते हैं। दोनों सीलिंग में आपको सेम डिज़ाइन सेम कलर मिल जाएंगे। अगर आप ये सीलिंग हमसे ख़रीदना चाहते हैं और आपका सिटी डिस्ट्रिक्ट खुशाब जोराबाद है, तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे शॉप ओनर का मोबाइल नंबर ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो ज़रूर लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।